अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे रशियन सैलेड, क्रीमी सैलेड। तो सबसे पहले आलू को क्यूब के स्टाइल में काट लिया है, आलू, गाजर और शिमला मिर्च। और ये देखिए, इसको वॉश करके और थोड़े से तेल में हम इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। जब तक ये फ्राई हो रहा है, उसमें करी पत्ते भी ऐड कर लेंगे इससे खुशबू के लिए। और ये है हरी चटनी, जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, हरा पुदीना और करी पत्ते, इनको मिक्स करके पीस लिया है। और साथ में इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, चिली सॉस, ये नमक, हंस पे ज़रूरत नमक लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सिरका लिया हुआ है एक चम्मच के बराबर, काली मिर्च कुटी हुई, सफ़ेद कुटी हुई मिर्च, और इसमें चाइनीज़ नमक एक चम्मच, और ये शिमला मिर्च। शिमला मिर्च आखिर में इसलिए डालेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है। हल्का सा दूध डाल देंगे हम, यानी कि चार चम्मच के बराबर, इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। और ये है क्रीम, तो क्रीम जब ये पक गया है पूरा, फिर अब हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे और साथ में मायोनेज। क्रीम है 3 बड़े चम्मच और मायोनेज की भी 2 बड़े चम्मच लेंगे।